हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनिधि विवेक मिश्रा। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो अभी लॉकडाउन के टाइम पर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए एक हेल्दी और टेस्टी रेसिपी लेके आऊं। तो इसका नाम है पालक पोहा खिचड़ी की रेसिपी मैं आप लोगों के लेके आई हूँ, जो कि खाने में बहुत टेस्टी होती है और इसमें ढेर सारा पालक जला है तो हेल्दी तो होती ही है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो मैंने एक पैन में पानी गर्म होने के लिए रख दिया, इसे हमने बॉयल करना है। इस पानी में हमें पालक को ब्लांच करना है। तो ये है पालक, मैंने ले लिया, इसे अच्छे तरीके से धो लिया है, 3 से 4 बार अच्छी पानी से धो लिया है मैंने। तो यहाँ पानी बॉयल हो चुका है, तो मैं कर दूंगी गैस को ऑफ और अब इसमें मैं डालूंगी पालक। तो मैं पालक को अच्छे से इसमें डिप कर लूंगी, इससे तो कीटाणु मर ही जाएंगे पालक के और हमें पालक भी जो हमारे हैं वो थोड़े से पक भी जाएंगे। तो इसमें पालक मैं अच्छे से डाल दूंगी और इसमें 1 मिनट पालक को छोड़ना है, उससे ज़्यादा नहीं छोड़ना है। और फिर इसे निकाल के मैं रख दूंगी ठंडे पानी में। तो मैं अच्छे से डिप कर ले रही हूँ गर्म पानी में, 1 मिनट के लिए मैं इसे इसमें छोड़ दूंगी। तो 1 मिनट हो चुका है, तो अब मैं सारे पालक को निकाल के और ठंडे पानी में डाल दूंगी। पानी एकदम ठंडा होना चाहिए क्योंकि इसकी ओवर कुकिंग हमें रोकनी है। तो अब मैं इसे ठंडे पानी में डाल दे रही हूँ, अच्छे से डिप कर दूंगी। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर ही के जाएं और कमेंट करके जरूर बताएं मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, और ट्राई जरूर करें, बहुत ही टेस्टी बनती है ये रेसिपी, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। तो ठंडे पानी में 5 मिनट छोड़ने के बाद पालक को मैं ऐसे निचोड़ के इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दूंगी और फिर मैं इसे एक मिक्सी के जार में डाल दूंगी। मिक्सी के जार में डालने के बाद मैं इसकी एक फाइन प्यूरी बनानी है हमें, तो मैं इसकी एक फाइन प्यूरी बना लूंगी। तो प्यूरी हमारी बन चुकी है, ये देखिए एकदम फाइन प्यूरी बन चुकी है हमारी। तो आइए आगे और भी सामान देख लेते हैं हमें क्या क्या चीज की जरूरत है। तो ये है 1 कटोरी पोहा छोटे कटोरी से, 1 कटोरी पालक की प्यूरी, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर आधी आधी चम्मच, और 1 प्याज, 1 टमाटर, 1 हरी मिर्च और 6 से 7 लहसुन और 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा और नमक स्वाद अनुसार। तो पोहा को हम धो लेंगे, पहले पानी से 2 से 3 बार धो ले पोहे को अच्छे से, और धोने के बाद इसे 5 मिनट के लिए रख देंगे फूलने के लिए। पानी डाल के इतना है, बस पानी निकाल देना है इसका। देखिए मैंने पानी निकाल दिया है धोने के बाद, अब इसे 5 मिनट के लिए मैं रख दूंगी। तब तक मैं आगे का काम कर लेती हूँ। और अदरक और लहसुन को अब मैं क्रश कर ले रही हूँ खलौदी में, अच्छे से क्रश कर लेना है। आप इसका प्यूरी भी बना सकते हैं। तो अब मैं आ गई हूँ बनाने के प्रोसेस में। तो मैंने एक पैन चढ़ा दिया है हीट होने के लिए, ये हीट हो गया है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच घी। घी की जगह आप तेल भी ऐड कर सकते हैं, पर घी से इसका फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है, इसलिए मैं प्रीफर करूँगी कि आप घी ही ऐड करें। तो घी के गर्म होने के बाद मैं इसमें एक हरी मिर्च कटी हुई डाल दे रही हूँ। हरी मिर्च थोड़ी सी भून जाए तो फिर मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को 1/2 मिनट भूनने के बाद इसमें अदरक और लहसुन जो मैंने क्रश करके रखा है वो मैं ऐड करूंगी। तो 1/2 मिनट प्याज भून चुकी है, तो अब मैं इसमें अदरक और लहसुन ऐड कर रही हूँ। अदरक और लहसुन को भी 1/2 मिनट के लिए हमें भून लेनी है। तो अदरक और लहसुन भून चुकी है, तो अब मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ कटा हुआ टमाटर, बारीक कटा हुआ टमाटर। टमाटर जल्दी पक जाए इसके लिए मैं अभी ही ऐड कर दूंगी इसमें नमक, स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दूंगी मैं। अब टमाटर बहुत जल्दी पक जाएगा, इससे फ्लेम अभी लो था, मैंने मीडियम कर दिया है फ्लेम को। मीडियम फ्लेम पर इसे भून लेनी है हमें 1-1.5 मिनट। उसके बाद मैं इसमें सूखे मसाले ऐड करूंगी, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। गरम मसाला पाउडर हम बाद में ऐड करेंगे, और अभी फ्लेम लो है। जब सूखे मसाले हम ऐड करेंगे तो फ्लेम को लो कर देंगे और इसे अच्छे से भून लेनी है हमें 3 से 4 मिनट।
इसे भूनने के बाद मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ हमारी जो पालक की प्यूरी है वो ऐड कर दूंगी। पालक की प्यूरी ऐड करने के बाद हमें इसे 3 से 4 मिनट अच्छे से पकाना है। और देखिए पालक जो है हमारी वो भी भुनी चुकी है, तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी गरम मसाला पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियो को शेयर करिए, हेल्दी रेसिपी शेयर करिए। और अब मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ पोहा जो मैंने धो के रखा था, इसे अच्छे से मिक्स कर देनी है। फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब लोग घर में हैं तो कुछ टेस्टी खाने का सबको मन कर रहा होगा, तो ये रेसिपी सब लोग ट्राई करेंगे, उनको पसंद आएगी। तो अब मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ आधी कटोरी पानी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेनी है हमें। और फिर अब इसे ढक कर मैं 2 मिनट पकाऊंगी, उसके बाद मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। 2 मिनट बाद मैं ढक्कन हटा कर देखूंगी तो हमारी जो खिचड़ी है पालक पोहा खिचड़ी वो बन के तैयार है, बहुत ही टेस्टी। तो अब मैं कर दूंगी फ्लेम को ऑफ और अब इसके तड़के की तैयारी करते हैं। तो मैंने एक कड़छुल चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए और मैं दिखा दे रही हूँ इसमें क्या क्या लगेगा। जीरा, 2 लौंग, 1 छोटी इलायची क्रश करके और हींग और 2 सूखी लाल मिर्च। तो अब मैं कड़छुल में ऐड कर दे रही हूँ 1 चम्मच घी, घी से ही तड़का लगाएं बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो घी के गर्म होने के बाद मैं इसमें वो सब तड़के का सामान ऐड कर दे रही हूँ, इसे आधी मिनट के लिए पका लूंगी और फिर फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। फ्लेम को ऑफ करने के बाद इसमें ऐड करूंगी मैं हींग, हींग जरूर से ऐड करें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये जो है वो पक चुकी है, तो अब मैं इसमें खिचड़ी में इसका तड़का लगा दूंगी, डाल के और ढक देना है ताकि इसका फ्लेवर खिचड़ी में चला जाए। 1 मिनट के लिए ढक देंगे इसे और फिर मैं ढक्कन हटा के देखिए इसे अच्छे से मिक्स कर देनी है। तो हमारी ये पालक पोहा खिचड़ी की रेसिपी बहुत बन के तैयार है, बहुत ही इजी और टेस्टी और हेल्दी रेसिपी। ये रेसिपी अब इसको मैं सर्व कर दे रही हूँ, ये रेसिपी आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ही यूनिक रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करें इसे। मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगा और बच्चों को भी पसंद आएगा। बच्चे पालक नहीं खाना चाहते हैं पर इस रेसिपी, ये वाली रेसिपी अगर आप उन्हें बना कर देंगे तो वो मना नहीं करेंगे। फ्रेंड्स तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें। फिर मैं मिलूंगी जल्दी ही आप लोगों के साथ, तब तक के लिए बाय।